मान सिंह जी, सर आज आपको यहाँ सम्मान दिया गया है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, और निश्चित ही अली इसके द्वारा जो सम्मान दिया गया है मुझे, वो उसके लिए आभार प्रकट करता हूँ। सर बाबा साहब की जो बात करते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात कर रहे हैं, एक तरफ डॉक्टर अंबेडकर बात चल रहा है, एक तरफ ये सर ब्राह्मणवाद कर रहे हैं या मनुवाद कर रहे हैं, सर इन दोनों में क्या फर्क है? अंबेडकरवाद और मनुवाद दोनों में क्या फर्क है? जी दोनों ही उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हैं जी, बिल्कुल विपरीत दिशाओं में। बाबा साहब पूरे के पूरे लोकतांत्रिक विचारधारा से लैस एक व्यक्तित्व है जो वर्तमान लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं, और मनुवाद सामंत फ्यूडल सामंती व्यवस्था का प्रतीक है, राजतंत्र का प्रतीक है, जो सामंतवाद को स्थापित करना चाहते हैं। सर एक आपने इतनी सारी कविताएं लिखी हैं, उनमें से जो आपको जो ख्याति यहाँ तक प्राप्त हुई है, उसमें से कुछ कविताओं की कुछ लाइनें आप सुनाएं। कविताओं की कुछ लाइनें और मौखिक जैसे सुनो ब्राह्मण, सुनो ब्राह्मण, हमारी दास्ता का सफर तुम्हारे जन्म से शुरू होता है। सुनो ब्राह्मण, हमारी दास्ता का सफर तुम्हारे जन्म से शुरू होता है, और इसका अंत भी तुम्हारे अंत के साथ होगा। तुम्हारा अंत भी इसके इस और तुम हमारा इसका अंत भी तुम्हारे अंत के साथ होगा जी। सुना है हमारे पसीने से बू आती है तुम्हें, सुना है हमारे पसीने से बू आती है तुम्हें, फिर ऐसा करो एक दिन अपनी जनानी को हमारी जनानी के साथ मेला कमाने भेजो, एक दिन अपनी जनानी को हमारी जनानी के साथ मेला कमाने भेजो, तुम मेरे साथ आओ, चमड़ा पकाएंगे दोनों मिल बैठकर, अपने बेटे को भेजो मेरे बेटे के साथ दिहाड़ी की खोज में, और अपनी बिटिया को भेजो मेरी बिटिया के साथ कटाई करने मुखिया के खेत में, शाम को थककर पसर जाओ धरती पर, सूंघे खुद को बेटे को बेटी को, तभी जान पाओगे तुम जीवन की गंध को, बलवती होती है जो रूप की गंध से। धन्यवाद सर।